नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूँ पारुल त्यागी और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मेरा गांव मेरा देश का उत्तराखंड एडिशन। हर रोजाना की तरह एक बार फिर से आज हम हाजिर हैं इसी और नई विधानसभा के साथ। आज हम बात करेंगे झबरेड़ा विधानसभा की, जो रुड़की में आती है, और वहां पर किस तरह का चुनाव से पहले माहौल है, जनता के मन में क्या है, जनता की क्या समस्याएं हैं, मतदाता का मूड क्या है, और कितना क्षेत्र में विकास हुआ है, विधायक जी कितना क्षेत्र में पहुंचते हैं, जनता से कितना रूबरू होते हैं, ये तमाम सवालों के जवाब लेने की आज इस कार्यक्रम में हम कोशिश यहाँ पर करेंगे। तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे कि झबरेड़ा विधानसभा की क्या तस्वीर नजर आती है, किस तरह की वहां की सड़कें हैं, किस तरह की सुविधाएं वहां पर लोगों को मिलती हैं। साथ ही आपको यह भी बता दूं कि हमारे साथ गेस्ट भी जुड़ेंगे और हरिद्वार से हमारे ब्यूरो चीफ भी जुड़ेंगे, जो झबरेड़ा विधानसभा के बारे में पूरी जानकारी देंगे और बताएंगे कि वहां की जनता की परेशानी जो है वो विधायक जी कितना सुनते हैं, क्षेत्र में जो जनप्रतिनिधि हैं वो जनता से कितना बरू होते हैं और क्या कुछ काम अभी वहां पर चल रहा है। तो ऐसे में इसी पर आज हम चर्चा करेंगे। और अगर झबरेड़ा विधानसभा की बात करें तो वहां से विधायक देशराज कर्णवाल हैं, बीजेपी से विधायक हैं। दावे तो बहुत किए गए हैं कि झबरेड़ा विधानसभा में काम बहुत हुआ है, विकास खूब हुआ है और बहुत ज़्यादा सुविधाएं लोगों को दी हैं, लेकिन असलियत क्या है, कितनी सुविधाएं लोगों को मिली है, कितना विकास हुआ है, आज इसीलिए ये खास कार्यक्रम रखा गया है जिसमें हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो जनप्रतिनिधियों की तरफ से वादे और दावे किए जाते हैं कि खूब विकास किया गया, क्षेत्र की जनता को कोई समस्या नहीं है, तो आखिर वहां की असलियत है क्या, ये जानने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें भी अभी आपको दिखाएंगे कि तस्वीर वहां की किस तरह की नजर आती है। तो तस्वीरें चलाइए और वहां की दिखाने की कोशिश ये भी करेंगे हम कि झबरेड़ा विधानसभा आखिर किस तरह से दिखती है और कितना वहां पर काम हुआ है। तो कहीं ना कहीं कुछ तस्वीरें देखकर तो ये लगता है कि काम हुआ है जैसा कि कहा जाता है जनप्रतिनिधियों की तरफ से, लेकिन आखिर ये काम ग्रामीण इलाकों में हुआ है या नहीं हुआ, या सिर्फ शहरी इलाकों को ही विकास किया है, वहाँ के लोगों के साथ ही उनको सुविधाएं दी हैं, या फिर ग्रामीण लोगों का भी पूरा ध्यान रखा गया है, ये सभी चीज़ें जानने की यहाँ पर कोशिश भी हम करेंगे। साथ ही वहाँ के जनता के मन में क्या है, ये बहुत अहम जानना है, वो इसलिए क्योंकि अब 2 महीने से कम का ही समय बचा है, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में बहुत बड़ी अहम भूमिका जनता ही निभाती है, मतदाता जनता ही है, तो जनता का मूड जानने की भी यहाँ पर कोशिश होगी कि आखिर उनके मन में क्या है, क्योंकि चुनाव से पहले अभी रैलियां चल रही हैं, जनसभाएं हो रही हैं, बड़े बड़े नेता दिल्ली से उठकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, पूरे उत्तराखंड की बात की जाए देहरादून पहुंच रहे हैं, तमाम जिलों का तमाम क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में बड़े बड़े नेता आखिर जो बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, जनता उनसे कितनी खुश है, मतदाता उनकी कितनी बातों में आ रहे हैं, या फिर कुछ और इस बार बदलाव चाहते हैं मतदाता, ये कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण सवाल यहाँ पर खड़ा होता है। साथ ही आपको ये भी बता दें कि हमारे साथ मेहमान भी जुड़ेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा था, और तीनों ही मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। उस्मान जी हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, और डॉक्टर अताउर रहमान हैं जो स्थानीय हैं झबरेड़ा विधानसभा के ही, और हमारे हरिद्वार से ब्यूरो चीफ हैं मोहम्मद अजीम। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया में। सबसे पहले उस्मान जी आपके पास आऊंगी, सामाजिक कार्यकर्ता हैं आप, झबरेड़ा विधानसभा को काफी करीब से जानते हैं कि वहां पर आखिर किस तरह का काम हो रहा है, कितना विकास हुआ है, तो थोड़ा सा झबरेड़ा विधानसभा के बारे में बताइए कि वहां की जनता जो चाहती थी या जो चाहती है वो हो पाया है अब तक या नहीं। जी आप, मैं आपका सवाल सही सुन नहीं पाया, जरा दोबारा बोलेंगे आप प्लीज। उस्मान जी मैं कह रही थी कि झबरेड़ा विधानसभा में क्या विकास उतना अब तक हो पाया है जितनी वहां की जनता विकास की उम्मीद लगाए बैठी थी। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने एक बहुत सेंसिटिव क्वेश्चन किया है। ये जहां तक झबरेड़ा के विकास का सवाल है,
जी विधानसभा में कोई ऐसा कार्य नहीं किया गया कि हम ये मान सके कि इसे विकास कार्य कहते हैं। एजुकेशन के मामले में कोई काम नहीं हुआ और न ही कोई ऐसा काम हुआ है जिसे ये कहा जाए कि सरकार ने झबरेड़ा में कोई नया काम कर दिया हो। जहां तक दिखावे का सवाल है, माननीय विधायक जी रोज सड़कों के शिलान्यास करते हैं, जाते हैं, उद्घाटन करते हैं ढोल धमाकों के साथ, एक दिखावा है, सूखी राजनीति है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है। झबरेड़ा विधानसभा में कोई विकास कार्य नहीं किया जा रहा है, खाली सूखी राजनीति हो रही है। यानी कि जो जनता को उम्मीदें थी वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हुई है। ठीक है उस्मान जी, अताउर रहमान जी आपके पास आना चाहूंगी मैं, आप बताइए कि झबरेड़ा विधानसभा की जो तस्वीर देखने की उम्मीद लगाए वहां की जनता बैठी थी, क्या वो तस्वीर नजर आ रही है? क्या जो 2017 में वादे किए गए थे वो पूरे हुए हैं अब तक या नहीं? धन्यवाद पारुल जी। जी देखिए ये एक दुर्भाग्य है कि जब से झबरेड़ा विधानसभा 2012 से अस्तित्व में आई है जी, यहाँ पर जो दो विधायक अब तक बने हैं, इससे पहले हरिदास जी थे, अब देशराज कर्णवाल जी थे, मैं समझता हूँ जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए झबरेड़ा विधानसभा में, आज तक झबरेड़ा विधानसभा उनसे भी वंचित है जी। पूरे विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा के मामले में आप देख लीजिए, एक भी सरकारी डिग्री कॉलेज नहीं है। आप दूसरा देखोगे, सड़क पूरी तरह जर्जर है, रुड़की रेलवे स्टेशन से एक रोड जाता है झबरेड़ा, बहुत बुरा हाल है। इकबालपुर से होते हुए झबरेड़ा जाते हैं सलीमपुर राजपुताना से, वहां बहुत बुरा हाल है। झबरेड़ा क्षेत्र का एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है कृष्णा नगर, वहां पर पानी इतना भरा हुआ है कि अगर आप उन लोगों से पूछोगे तो मतलब वो चुनाव का बहिष्कार करने के लिए तैयार बैठे हैं, ये कंडीशन है जी। पूरे विधानसभा में बच्चों तो के खेलने के लिए कोई विधायक जी तक ये बात पहुंचाने की अब तक कोशिश की है जनता ने कि भाई इतनी समस्या है क्षेत्र में, कुछ तो कीजिएगा। जी 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 अरुल जी, विधानसभा जो विधायक जी हमारे देशराज कर्णवाल जी जी, उन्हें हर बात का पता है और हर लोग इकट्ठा होके उनके पास जाते हैं, लेकिन वो जो है अपनी खुद का इतना बखान करते हैं, बस उनके जो है बोलना बोलना जानते हैं, काम कुछ करना नहीं जानते। आप अगर देखोगे सड़क जो बन रही है, जो थोड़ी बहुत में काम करा रहे हैं, वो बनती बाद में है, टूट जाती पहले है जी। मतलब बहुत बुरा हाल है। स्वास्थ्य सेवाओं का आप हाल देखो, पूरी झबरेड़ा विधानसभा में एक भी सरकारी अस्पताल तक नहीं है। छोटे छोटे अगर एक दो अस्पताल झबरेड़ा में, इकबालपुर में और इधर पनियाला है में है, वहां पर कोई डॉक्टर नहीं मिलता, वहां बहुत बुरा हाल है। तो रहमान जी, जो वहां के लोग हैं जिन्हें जब समस्या होती है या बीमार कोई हो जाता है तो कहां फिर जाते हैं वो लोग? मैडम ये तो पारुल जी आप ये देखो, झबरेड़ा क्षेत्र का आदमी रुड़की आता है, रुड़की के बाद ऋषिकेश देहरादून दौड़ता है, कोई ऐसा सरकारी अस्पताल नहीं है जहां पर जाके गरीब आदमी इलाज करा ले जी। जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनसे आज तक झबरेड़ा विधानसभा क्षेत्र के लोग वंचित हैं जी। मतलब के जो वादे किए गए थे और किए जाते हैं वो झूठे निकल रहे हैं यहाँ पर। ठीक है रहमान जी, बिल्कुल झूठे निकल रहे हैं। ठीक है रहमान जी, अभी आऊंगी आपके पास। मोहम्मद अजीम भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मोहम्मद अजीम, आप तो लगातार लोगों से बातचीत करते हैं, रूबरू होते हैं, ग्राउंड जीरो पर जाते हैं और देखते हैं तस्वीरें। देखिए रहमान जी ने बहुत अच्छे से बताया कि ना तो स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं वहां पर, ना ही शिक्षा के लिए कोई सरकारी डिग्री कॉलेज है, कुछ लोगों को सुविधाएं नहीं मिल रही। लेकिन आपसे भी जानना चाहूंगी मैं कि वहां पर और किन किन चीजों की समस्याएं हैं झबरेड़ा विधानसभा में? हेलो हेलो जी, अजीम जी मेरी आवाज मिल रही है क्या? अरुण जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, शायद कोई टेक्निकल इशू है, दोबारा से कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे अजीम आपसे। उस्मान जी भी बने हुए हैं लगातार हमारे साथ। उस्मान जी,
देखिए स्वास्थ्य की बात हो गई, शिक्षा की सुविधा नहीं है, अगर महिलाओं के लिए कुछ बात की जाए कि महिलाओं के लिए कुछ खास सुविधा हो, वैसे तो लगता नहीं मुझे कि झबरेड़ा विधानसभा में महिलाओं के लिए होगी, लेकिन फिर भी क्या महिलाओं के लिए कुछ वहां पर सुविधा है? अगर मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, डिलीवरी के लिए रात के समय में जरूरत पड़ जाए, इमरजेंसी आ जाए, तो फिर किस तरह से महिला कहाँ पहुंचती है? जी आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है महिलाओं के लिए। महिलाओं के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूं मैडम, मेरा गांव नगला कुबड़ा पड़ता है जी। और मैडम 10-10 गांव में आपको गिनवा सकता हूं, किसी भी गांव में कोई ऐसा सरकारी अस्पताल या कोई ऐसी चीज नहीं कि इमरजेंसी में कोई महिला को डिलीवरी या कोई इस तरह का कोई मामला बन जाए जिसे जो है ना दिक्कत हो। मतलब कुल मिला के यह है कि ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया गया किसी भी सेक्टर में जिसे हम ये कह सकें कि हाँ विधायक जी ने या भारतीय जनता पार्टी ने ये काम कराया है। महिलाओं के लिए तो सवाल ही पैदा नहीं होता कहीं से, आप अगर कुछ भी नहीं हुआ ये कह सकता हूँ। यानी कि जो वादे महिलाओं को लेकर बीजेपी की सरकार करती है वो कहीं ना कहीं झबरेड़ा विधानसभा में तो झूठे ही साबित हो रहे हैं। ठीक है उस्मान जी, एक चीज और यहाँ पर मैं जानना चाहूंगी कि देखिए जिस तरह से रहमान जी ने बताया कि उनके इलाके के कुछ जगह पर तो लोग ऐसे हैं कि जो चुनाव में बहिष्कार करने की बात तक कह रहे हैं, अगर आपके इलाके की जहाँ पर आप रहते होंगे या उसके आसपास के इलाकों की बात की जाए, वहां पर जनता के मन में क्या है? क्योंकि विकास तो देखिए पता चल गया कि झबरेड़ा विधानसभा में बिल्कुल नहीं हुआ है, जो वादे किए गए थे बिल्कुल पूरे नहीं हुए। अब जनता क्या सोच रही है कि आने वाले चुनाव में क्या करेंगे वो? अभी 10-15 दिन पहले मैडम एक एक्सीडेंट में 2 लोग अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई थी उनकी, तो माने विधायक जी की मिसिज वहां पहुंची और उन लोगों ने रोड जाम कर रखा था, उनको कहा कि मैं तुम्हें 5,000 रुपए की आर्थिक सहायता देती हूँ, रोड खोल दीजिए। मतलब इस तरह से लोगों की मजाक उड़ाई जा रही है विधायक द्वारा। तो मैं आपको बताऊं लोगों में बहुत गुस्सा है, और वो धर्मपुर के लोग तो यहाँ तक कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी को हम गांव में घुसने तक नहीं देंगे विधायक जी को। मतलब इस तरह से लोगों को जो है दिक्कतें पैदा हो रही हैं माननीय विधायक जी की शैली से और उनकी जवाब से जी। लेकिन उस्मान जी चलिए ये तो एक्सीडेंट हुआ तो विधायक की पत्नी पहुंच गई, लेकिन वैसे अगर हर रोजाना की बात की जाए या कभी कभार की बात की जाए तो क्या विधायक जी क्षेत्र में आते हैं, जनता से बातचीत करते हैं, उनकी समस्याएं जानने की कोशिश करते हैं क्या? कभी नहीं, कभी नहीं, कभी जाते हैं तो लॉलीपॉप लेकर ही पहुंचते हैं कि हम ये अभी चुनाव नजदीक आया है, कुछ दिनों से विधायक जी सक्रिय दिखाई दे रहे हैं, ढोल धमाकों के साथ हर गांव में जा रहे हैं, रिबन काट रहे हैं और जो है ना घोषणा है ये कि ये रोड बनवा दूंगा, ये फला काम करवा दूंगा। पिछले 4-5 साल का कार्य बीत चुका है, विधायक जी का कहीं अता पता नहीं है, खाली शादी ब्याहों में और कहीं इस तरह के कोई फंक्शन होते हैं तो वहाँ विधायक जी दिखाई देते हैं, किसी सामाजिक कार्य में विधायक जी कहीं उनका कोई मतलब नहीं है जी। लेकिन उस्मान जी आप तो कह रहे हैं कि विधायक जी नहीं आते हैं, ना कोई विकास हुआ, लेकिन विधायक जी तो हमें ये पता चला है कि ये कहते घूम रहे हैं झबरेड़ा विधानसभा में कि मैंने तो बहुत अच्छे काम किए हैं और बहुत विकास किया है, और तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि जहां पर उनका खूब स्वागत भी किया जा रहा है और नारियल भी कहीं वो फोड़ रहे हैं, शायद कहीं का उद्घाटन करने के लिए वो पहुंचे थे किसी चीज का। मैं वही चीज बता रहा हूँ, उद्घाटन तो करते रहते हैं विधायक जी। विधायक जी ने अपने साथ एक टीम ली हुई है, 10 गाड़ियां अपने साथ ले रखी हैं, ढोल वाली पार्टी अपने साथ ले रखी है और हर गांव में जाकर एक रिबन बांध करके काट देते हैं। अभी आचार संहिता लगने वाली है और विधायक जी की सड़कें जो है ना कंटिन्यू बन रही है, सारे विकास कार्य विधायक जी अभी 4 दिन के अंदर कराने को काम कर रहे हैं, पिछले 5 साल से विधायक जी का कहीं अता पता तक नहीं है जी। ठीक है उस्मान जी आपके पास लौटूंगी, रहमान जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों की ही सरकारें रही हैं, अगर झबरेड़ा विधानसभा की बात की जाए तो वहां पर किसकी सरकार के दौरान काम हुआ हो जब जनता खुश रही हो? देखिए पारुल जी ईमानदारी से अगर बात करें तो यहां पर जब 2002 से 2007 तक कांग्रेस की सरकार थी जी, हकीकत में तो काम तब हो पाया है जब यहाँ पर एक इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे इकबालपुर के पास एक जगह लगती है बंदाखेड़ी, वहाँ पे एक इंडस्ट्री, काफ़ी इंडस्ट्री लगी थी और जगह जगह रोड भी बनी थी। मैं समझता हूँ उसी वक्त तो काम हुआ है, उसके बाद तो फिर कोई कार्य यहाँ नहीं हो पाया जी। और इस बार जी, तो ये जी जी बोलिए बोलिए
मैं ये कहना चाह रहा था, जबरेड़ा विधानसभा का जो क्षेत्र है मूल रूप से वो कृषि प्रधान क्षेत्र है जी, और 2017-18 का इकबालपुर शुगर मिल पर लगभग 122 करोड़ गन्ने का किसानों का बकाया भुगतान वहां पर बकाया है शुगर मिल के ऊपर, और माननीय विधायक जी ने अब तक उस गन्ने के भुगतान को भुगतान नहीं करा पाए, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि किसान की यहाँ पर क्या स्थिति है जी। ठीक है, ठीक है रहमान जी। मोहम्मद अजीम भी बने हुए हैं लगातार वहाँ साथ। अजीम, मेरी आवाज मिल रही है क्या अब आपको? जी बाबू जी। अजीम, अगर जबरेड़ा विधानसभा की बात की जाए, आप तो देखिए ग्राउंड जीरो पर पहुंचते हैं, लोगों से भी बातचीत करते हैं, हर एक चीज को बहुत बारीकी से देखते हैं, तो आप बताइए जबरेड़ा विधानसभा में देखिए ये तो पता चल गया विकास नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ, लेकिन अगर कुछ ऐसी चीज है जो आपने देखी हो वो नहीं अब तक सामने आई हो कुछ ऐसा? देखिए पहले आपको बता दूं कि जबरेड़ा विधानसभा जो है ये उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले से लगती हुई विधानसभा है। ये उत्तराखंड बनने के बाद जब परिसीमन हुआ 2012 में तो ये अस्तित्व में आई। 2012 में यहाँ से बसपा के विधायक हरिदास जी बने, जो कांग्रेस को जिन्होंने हेलो हेलो जी जी अजीम बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। जो 2012 में हरिदास जो है विधायक बने यहाँ पर, तो कांग्रेस के साथ सरकार मिलकर बनाई उन्होंने और विकास भी हुआ। लेकिन 2017 के बाद जब भाजपा जो है प्रदेश की में आई, तो यहाँ से देवराज कर्णवाल जो है बीजेपी के विधायक थे, और जहां तक की बात की जाए भाजपा ने 5 सालों में 3 मुख्यमंत्री बदले हैं और विकास बिल्कुल यहाँ नहीं हुआ है। क्योंकि जिस तरह से तो हमने सड़कों के हालात देखे, यहाँ पे अस्पतालों के हालात देखे, तो साफ विकास के विकास पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। और ये जो इलाका है जबरेड़ा का, ये कृषि भवन जो क्षेत्र है, यहाँ पर किसानों की इतनी बड़ी समस्या है, चाहे इकबाल को गन्ना मिल पड़ता है जिससे किसानों का काफी बचाव है, और कुछ भी जो विधायक है उनकी नहीं सुनते और ना ही उनका भुगतान कराने की कोशिश की जाती विधायक द्वारा। जबकि अभी जो 3 दिन पहले विधायक जी एक जगह आए और सड़क का उद्घाटन किया, जिसमें उन्होंने उनके अपकज देखने को मिले हमें, वो अपने ही पार्टी के जितने भी उनके दावेदार है जो जबरेड़ा से दावेदारी करते हैं उनके बारे में ही अहमदाबाद भाषा का प्रयोग करते हुए दिखे जी। ठीक है जी, ठीक है अजीम। उस्मान जी, आप देखिए उत्तराखंड में अभी चुनावी माहौल है, बड़े बड़े नेता हम देख रहे हैं दिल्ली से उठकर उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, तमाम जगहों पर रैलियां कर रहे हैं। अगर जबरेड़ा विधानसभा में क्या अभी तक कोई बड़े नेता पहुंचे हैं रैली या जनसभा करने के लिए? जी अभी तक तो इस तरह की कोई जनसभा मेरे ख्याल से हुई नहीं है जी, लेकिन यह है कि चुनाव प्रचार तो चल ही रहा है, कर रहे हैं, पता है सबको कि फरवरी में इलेक्शन होना है। उस्मान जी, उस्मान जी, मेरा सवाल ये था कि नेता जो भी पहुंच रहे हैं, चाहे कोई बड़े नेता हो या कोई छोटे नेता हो, जो भी पहुंच रहे हैं उनसे उनको क्या अवगत कराया जा रहा है जो समस्याएं हैं? जी बिल्कुल कराया जा रहा है, लेकिन ये है कि उसमें अब यही है कि मतलब अब वो ये कहते हैं कि चलिए भविष्य में ये काम हो जाएंगे। अब भविष्य का तो सवाल भविष्य पे डिपेंड करता है ना, अब तो अगले इलेक्शन की तैयारी है। पीछे बीते हुए अगर 5 साल की बात हम करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कोई कार्य नहीं कराया, तो उसमें वो इसी तरह की बातें करते हैं कि चलिए जी अब क्योंकि हम एक समाज सेवक हैं, समाज सेवा करते हैं, तो समाज के जो भी मुद्दे हैं उनको हम उठाते हैं, तो उन पे हमें यही जो है आश्वासन दे दिया जाता है कि चलिए इस बार नहीं तो इस बार। हमने कहा एजुकेशन को लेकर के प्राइमरी स्कूलों का हाल मैडम इतना खराब है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हर गांव के अंदर 2 या 3 टीचर हैं, आंगनवाड़ी हैं, प्रेरक हैं, और लेकिन ये पैसा टोटल एजुकेशन के नाम पे मिसयूज है। एक भी प्राइमरी स्कूल के अंदर 4 बच्चे नहीं जाते, उस पैसे का पूरे तरीके से मिसयूज किया जा रहा है। हर गांव के अंदर वही हाले लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल भेजना चाहते हैं, किसी भी तरह से मजदूरी करके वो फीस भरना चाहते हैं, लेकिन फ्री में अपने बच्चों को भेजना इसलिए नहीं चाहते कि प्राइवेट स्कूलों में कोई व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी कोई व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। बड़े दुख की बात है, एजुकेशन के मामले में जबरेड़ा बहुत पीछे है मैडम जी।
बिल्कुल एजुकेशन के मामले में ही नहीं, सभी मामलों में झबड़ेरा बहुत पीछे लग रहा है। उस्मान जी, रहमान जी, जिस तरह से देखिए अभी आप बता रहे थे कुछ देर पहले कि कुछ लोग ऐसे हैं जो चुनावों का बहिष्कार करने की बात कह रहे हैं कि काम नहीं हुआ तो चुनाव में भी हम वोट नहीं करेंगे, लेकिन क्या जिस तरह से लोगों की परेशानी है, जो समस्याएं हैं, प्रशासन को उससे अवगत कराने की क्या कोशिश की गई, क्या बताया गया कि भाई जनता परेशान है, कुछ तो कीजिए? देखिए पारुल जी, लगातार कोशिश की गई, वहां पर धरने पर बैठा गया कृष्णा नगर में गली नंबर 20 से गली नंबर 25 तक जी लगभग 2 फीट पानी भरा हुआ है, और पिछले लगभग 2 साल से वहां पर पानी भरा हुआ है। वहां के लोग इतने परेशान आ चुके हैं, विधायक के खिलाफ धरने पर बैठ चुके हैं जी, और विधायक जी वहां आते हैं, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं जी। यहाँ पर हकीकत तो ये है, जब भी कोई काम हुआ है, सिर्फ कांग्रेस की सरकार जब आती है जब तो क्षेत्र में कुछ काम होता है, उसके बाद कुछ नहीं होता। और हकीकत यह है, आज लोग चुनाव का इंतजार कर रहे हैं और मेरे ख्याल से तो परिवर्तन यहाँ तय है जी। रहमान जी, आप कह रहे हैं तो खैर ये तो खैर चुनाव में ही पता चलेगा 2022 में कि परिवर्तन होगा या क्या होगा। अजीम देखिए, लगातार रहमान जी भी हमारे साथ बने हुए, उस्मान जी भी, तो बातें जो बता रहे हैं उससे तो लग रहा है कि झबड़ेरा में कुछ काम नहीं हुआ, परिवर्तन की यहाँ पर लगातार बात की जा रही है, चुनाव बहिष्कार की बात की जा रही है, यानी कि हालात झबड़ेरा विधानसभा के बेहद खराब हैं। बिल्कुल बारुल, जिस तरीके से हमारे मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हम भी क्षेत्र को देखते हैं, तो झबड़ेरा विधानसभा जो है वो एक एंडिवल इलाका है, उसके ऊपर विकास से बहुत ही परे है इसकी कहानी, क्योंकि झबड़ेरा रुड़की से 15 किलोमीटर करीब है और रुड़की में शिक्षा नगरी रुड़की को कहा जाता है, लेकिन झबड़ेरा में जो है शिक्षा का अभी अभाव है, शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में झबड़ेरा अभी बहुत पीछे है। विधायक जी जो है देशराज कर्णवाल जी पहली बार यहाँ के विधायक बने, लेकिन आने वाला वक्त जो है जनता नहीं कि वो यहाँ पे चुनाव लड़ पाएंगे या जनता उनको स्वीकार करेगी, जिस तरीके से जनता में उनके विरुद्ध जो है विरोध देखने को मिल रहा है उनका, नहीं लगता कि झबड़ेरा विधानसभा से जो बीजेपी इस बार अपना परचम लहरा पाएगी जी। बिल्कुल अजीम, और यहाँ पर देखिए बार बार ये बात सामने आ रही है कि प्रशासन को भी अवगत करा दिया जाता है, विधायक को भी अवगत करा दिया जाता है, और जो भी नेता पहुँचते हैं उनको अवगत करा दिया जाता है कि भाई समस्या ये है, उसका समाधान किया जाए, लेकिन उसके बाद भी लोगों की समस्याओं को अनसुना कर दिया जाता है, और जब चुनाव आने वाले होते हैं, चुनाव पास होते हैं, तो वोट मांगने के लिए वो नेता पहुँच भी जाते हैं बेशर्मी से कि आप हमें वोट कीजिए, हमने तो खूब विकास किया है। बिल्कुल पारुल, जिस तरीके से नेता जो है ये लीडर दुनिया में ये एक मुहिम चलाई है मेरा गांव मेरा देश के नाम से, इसमें हम पूरे उत्तराखंड की 70 विधानसभाओं की कहानियां बता रहे हैं और हरिद्वार जिले में 11 विधानसभाएं हैं उनकी हम कहानियां बता रहे हैं, जिस तरीके से वहां पर विकास नहीं हुआ है, हम मुद्दे लोगों को उठा रहे हैं, क्या क्या समस्या है लोगों की, और झबड़ेरा की आज हमने बात की है, झबड़ेरा में झबड़ेरा विधानसभा जो है विकास से बहुत परे है, जितने भी हमने लोगों से वहां मिले, हमने बातचीत की लोगों से, लोगों का साफ तौर से कहना है कि विधायक जी जो है 5 साल से वहां दिखाई नहीं दिए, अब जब चुनाव समाप्त हुआ है, मात्र 2 महीने चुनाव में बचे हैं, तो आज विधायक जी लोगों के घरों में आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है इस बात का जवाब उनको आने वाले चुनाव में देगी जी। चलिए ठीक है जी, ठीक है अजीम जी, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें समय देने के लिए, समय ज्यादा नहीं है इसीलिए इस चर्चा को यहीं पर रोकना होगा। तो ऐसे में आज हम झबड़ेरा विधानसभा की बात कर रहे थे, लेकिन जो बातें निकल कर सामने आए, यकीन कीजिए इससे साफ तौर पर यही दिखता है कि तस्वीरें भले ही कुछ दिखे लेकिन तस्वीरों के पीछे सच्चाई कुछ और ही होती है, बड़े बड़े वादे तो यहाँ पर कर दिए जाते हैं लेकिन विकास कितना हुआ है और वहां की सच्चाई क्या है वो वहां की जनता ही बता सकती है। और झबड़ेरा विधानसभा में यकीन मानिए ना तो कुछ काम हुआ, ना विकास हुआ, ना ही स्वास्थ्य की सुविधाएं हैं, ना ही शिक्षा की सुविधाएं हैं, ना ही महिलाओं को लेकर कोई सुविधा है, और इसीलिए इस बार झबड़ेरा विधानसभा की जनता के मन में यह है कि इस बार परिवर्तन 2022 में होगा, लेकिन वो तो खैर वक्त ही बताएगा कि परिवर्तन होगा या सत्ता वापसी होगी। लेकिन कल फिर मुलाकात होगी किसी और विधानसभा के साथ, इसी तरह से कुछ और मेहमान जुड़ेंगे जो दूसरी विधानसभा के बारे में जानकारी देंगे। फिलहाल के लिए बस इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़फुल इंडिया।